दोस्तों इस लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए ARN न्यूज चैनल को, साथ में इस बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए और पाइए ताजी ताजी समाचार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल ARN न्यूज़ पे। जी हाँ दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि पद्मावती का काफ़ी विरोध हुआ और बहुत सारे विरोध के बाद मूवी रिलीज हुई। तो दोस्तों एक और ऐसी मूवी है जो पद्मावती के बाद, पद्मावती का नाम कट करके दोस्तों पद्मावत रखा गया था, बहुत काफ़ी चेंजिंग की गई थी उसके बाद वो रिलीज हुआ था। तो पद्मावत के बाद एक और मूवी आ गई है दोस्तों, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है इसमें कंगना रनौत है और ये जो मूवी है ये मतलब झांसी के जो लक्ष्मीबाई थी, झांसी लक्ष्मीबाई, उन पे ये मूवी बनी है। तो दोस्तों इन्हें भी बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और ये मूवी रिलीज होने वाली है दोस्तों, तो इसमें भी काफ़ी विरोध, बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको विरोध क्यों झेलनी पड़ रही है। संजय लीला भंसाली ने रानी पद्मावती के जीवन पर आधारित फिल्म पद्मावत का कंडा विरोध हुआ। यह फिल्म सभी मुश्किलें झेलने के बाद रिलीज हो पाई। अब एक और फिल्म को लेकर विरोध से स्वर उठ रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का विरोध शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, साथ ही उनका एक ब्रिटिश मैन के अफेयर दिखाया जा रहा है। महासभा ने राजस्थान सरकार को फिल्म की शूटिंग रुकवाने के लिए 3 दिन का समय दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि आखिर क्यों मणिकर्णिका का विरोध हो रहा है दोस्तों। तो ये भी मूवी काफ़ी रोमांचक होने वाली है, जैसे पद्मावत बहुत ही रोमांचक थी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये न्यूज़ पसंद आया होगा। दोस्तों अगर न्यूज़ पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।